भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जहां राहुल गांधी पूरे देश में आवाम को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कानपुर देहात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी यहां पहुंचे हैं। ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उसको किस तरीके से वो आगे ले जाना चाह रहे हैं। ब्रजलाल जी ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा को आगे किस तरीके से ले जाएंगे। जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, चलते जाओ खड़े नहीं। जैसे यात्रा चल रही है पूरे प्रदेश में चलेगी, अनवरत चलेगी और 22 तारीख तक लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जो प्रादेशिक स्तर पर तय की गई है उसका पूरा क्रम हो जाएगा, 22 तारीख को समाप्त हो जाएगा। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इसका उद्देश्य आपको सबको पता है, क्या उद्देश्य रहेगा इस यात्रा का? इस यात्रा का उद्देश्य है देश में फैली नफरत को प्यार में बदल करके भारत को जोड़ने का। भारत कई हिस्सों में बट रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, रोज सुबह से लेकर शाम तक अखबार को देखो तो कहीं अन्य अत्याचार की कमी नहीं दिखाई देती है। महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, दलित और शोषितों पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार उत्पीड़न इस सरकार का रवैया बन गया है। तो हम पूरे देश में पूरे प्रदेश में हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने सड़क पर जाकर के इन अन्याय अत्याचारी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का बीड़ा उठाया है। जगह जगह जाकर के अन्याय अत्याचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, नोटबंदी के खिलाफ लोगों को बता रहे हैं कि इससे आपके ये नुकसान हुए हैं, अगर आप नहीं संभले, नहीं आपने ध्यान दिया, आने वाले टाइम में ये देश आपके हाथ से चला जाएगा। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी जनता जुड़ेगी? पूरा देश जुड़ रहा है, पूरा देश जुड़ रहा है, जनता नहीं पूरा देश जुड़ रहा है। निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? इसको बोलो यार, निकाय चुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कितना तैयार है? निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है, जैसे ही तारीखें घोषित होंगी हमारे प्रत्याशी नामांकन के लिए रेडी हैं। अच्छा, अभी मैनपुरी का चुनाव था, शिवपाल यादव सपा के साथ जुड़ गए, एक बार फिर तो उनके साथ आ गए अपनी पार्टी को लेकर, क्या लग रहा है निकाय और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसी के साथ हाथ मिलाएगी? कांग्रेस क्षेत्रीय दल नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी किसी से हाथ मिलाने नहीं जाती है, जिसको हाथ मिलाने आता होता है उसके दरवाजे आते हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपनी दम पर निकाय और लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जीतेगी? अपने दम पर तो हमने हिमाचल जीता है, तो दूसरे के दम पर थोड़ी लड़ते हैं, कांग्रेस अपने दम पर लड़ती है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों शोरों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार तंज कसती आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के पास बचा ही क्या है तंज कसने के अलावा? अगर वो सामदाम दंड भेद का उपयोग ना करे, सरकारी तंत्र का उपयोग ना करे, तो कोई भी राज्य नहीं जीत सकती है। कांग्रेस के लिए लोग अब तैयार हो गए हैं कि अब देश को बचाना है तो कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव निकाय चुनाव में कितनी सीटों पर बढ़त हासिल करेगी? आपको पता है ये ऐसा प्रश्न है इसका कोई उत्तर नहीं आ सकता है। क्या कांग्रेस कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, भविष्य के बारे में कोई नहीं बता पाया आज तक, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, किसी को पता नहीं है। प्रयास किस स्तर पर होंगे कांग्रेस? प्रयास है, पूरे प्रयास है हमारे कि हम कांग्रेस इतनी बड़ी संख्या में जीते कि भारतीय जनता पार्टी की दिखाई न दे। तो ये ब्रजलाल खाबरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस बात का अंदेशा जता दिया है कि कांग्रेस जो है वो भारी बढ़त के साथ जीतेगी। जो प्रचार चल रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है,
उसका असर जनता के बीच में दिख रहा है और जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।